हमारे पास क्यों नहीं है इसरो? इसरो की किसी आई थिंक कामयाबी पर यह बात हो रही होगी, लगता है ऐसे ये टाइटल से। लोग सारी वीडियो पर देख लेते हैं, वीडियो पर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडिया इसरो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट्स लैंडिंग मिशन ऑफ आरएलवी पुष्पक इन कर्नाटका, पाक पब्लिक शॉक्ड। अच्छा जी, तो जी हाँ, जो हमारा पुष्पक विमान है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, उसका हमने सफलतापूर्वक कामयाब परीक्षण कर लिया है। तो इसको सबसे पहले जो एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर है उसके जरिए उठाया गया, एक निश्चित ऊंचाई पर इसे लेकर जाया गया चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए। चिनूक आप जानते हैं बहुत शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है, और वहां से इसे रिलीज कर दिया गया और उसके बाद ये रिलीज होकर फिर अपने आप लैंड हुआ है। इसमें कोई पायलट नहीं था, इसको रिमोट से संचालित किया जा रहा था। तो ये टेस्ट किया जा रहा है कि जब हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे तो कैसे हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, कि यहां से रॉकेट से जाएंगे और ऊपर से वो उसको चलाते हुए आ जाएंगे नीचे। और ये अचीवमेंट छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट है। अमेरिका के पास ये पहले है, रशिया के पास ये पहले से है, बट चाइना के पास भी पहले से है, बट इंडिया के पास नहीं, रशिया के पास भी ऐसे वाले स्पेस नहीं है, स्पेसक्राफ्ट नहीं है, और चाइना के पास भी नहीं है। दोनों वो समंदर में उतारते हैं, वो जो रशियन डिज़ाइन है ना गोल वाला, उससे समंदर में उतारते हैं। तो हो सकता है वो भी हम यूज़ करेंगे और इसका भी हम टेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका के पास है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी मुझे याद आया कि वो ये लैंड कराते हैं, वो समंदर में उतारते थे रशियंस, और चाइनीज़ भी वैसे ही करते हैं, तो हम भी वैसे ही करेंगे। हमने शायद एक टेस्ट भी किया है इसका मॉड्यूल का हमने, लेकिन हम साथ में ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि कल को अगर हमें इसका भी इस्तेमाल करना पड़े तो हम ये भी करेंगे। चलिए पाकिस्तान के लोग इस अचीवमेंट पे क्या कहते हैं, देखते हैं। क्या पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मौजूदा टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी का लिहाज से मुकाबला करना पॉसिबल है हमारे लिए नहीं? मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, लेकिन उसके आगे चांसेस हैं। जिस तरह आप देख लें कि जो एब्रॉड से आ रहे हैं, जिस तरह कंप्यूटर के माहरीन हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के आप देख लें, या एलन मस्क है, वो लोग आप देख लें पीछे से ना, अभी एक शादी हुई है जिसमें वो लोग जा रहे हैं, उनका मेन मकसद जो ना टेक्नोलॉजी में जो शादी हुई, मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। दरअसल उनका जो मेन पर्पज़ है इसी टेक्नोलॉजी के लेके उन्होंने उनको बुलाया, उसके बाद वो मार्केट बनेगी। इस तरह के जो है ना, हम अगर शादी वगैरह तो नहीं, किसी तरह उनको ले आए किसी भी फाउंडेशन के तहत, किसी भी चीज़ को आगे लेके ना, इस तरह अगर हम किसी के साथ कम्बिनेशन बना के काम करेंगे तो इस तरह आगे मार्केट जा सकती है, वैसे तो नहीं जा सकती। अगर हम अपने आप को देखें तो हम देखें हमारा कौन सा जो है ना सीईओ किसी कंपनी का है, अब नहीं है ना। यही वजह है ना, हमारी कमी है कि हम अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, जो है ना अपने कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे। अगर इस तरह अगर कंट्री के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे फील्ड में आगे जा सकते हैं हम लोग। ज़बरदस्त बात की आपने सर। अभी बताना चाहूँगा, चांद पर वो गए कदम रखा था, पता चला चंद्रयान थ्री उन्होंने डाला है। अब अभी वो एक और एलन मस्क के साथ, मेरे ख्याल से नासा की जो बड़ी कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। सर उन्होंने अभी एक शटल बनाया। एलन मस्क नासा की कंपनी है। जनरल नॉलेज जो है ना पाकिस्तान के लोगों की बहुत ही वाहियात है, उनको बेसिक्स भी नहीं पता। एलन मस्क जो है वो नासा की कंपनी, इसरो जो है वो एलन मस्क के साथ काम कर बनाया है आपने। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, आपने उसकी बात की तो मैं बताना चाहूंगा, आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और री लैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता? हम सोच ये सैटेलाइट छोड़ने का व्हीकल नहीं है मुजम्मिल भाई, ये आदमी को ले जाने और ले आने वाला है, स्पेस शटल है जहां तक मुझे ज्ञान है। हो सकता है मैं कमजोर हूं इसमें, ये सैटेलाइट छोड़ने वाला व्हीकल नहीं है। हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच के हद तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं, हाँ वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। अब
बताएं जरा, यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी, यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह हमारी हो तो हम कहाँ बताएं ना, हमारी हो है कोई नहीं, हम जो है ना अपने जो है ना जेब में भरने पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे आगे वो टारगेट्स नहीं है। बिल्कुल सही होगा। मैं थोड़ा अंकल की तरफ जाना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कोई बात नहीं, सिराकी में चल जाएगी, ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से इंडिया बड़ा आगे निकल गया, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखो सी वसायल की गल है, उन्होंने को वसायल है, साढ़े को वसायल का है नहीं, वो वसायल इस्तेमाल करन असा। तो हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की हाथ में है, अंदर तक आता है, बाहर में नहीं आ गया। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया क्या यार? बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने, आज जरा आज आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं? ये भाई कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हमारा अभी पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है, क्या सही जवाब देंगे आप? इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप देखें, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर सारे उनकी सीईओज होते हैं, और उनके जो पूरे जो स्पेस के साथ अटे जो उसके जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इधर हमारे जो बेटे होते हैं ये 25-30 साल से सारे जनरल लोग बैठे हैं, आप उसका वो लिस्ट चेक कर ले, पलाना जनरल, रिटायर्ड जनरल, वो सारे उसके उसके इदारों पे बैठे हैं। तो अच्छा, ये चीज़ें मैं लगातार बताता रहता हूँ और चस्पा कर देता हूँ फिर से कि देखिए, पिछले चार जो शायद सुपारको जो पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी है उसके जो चीफ हैं वो फौजी हैं, तो पता नहीं, हो सकता है मेरी वीडियोस ये भाई देखते हो और इससे उनको जानकारी मिली हो कि देखो भाई ये तो सुपारको के चीफ जो है फौजी हैं, क्योंकि मैंने पिछले कई लगातार वीडियोस में बताया था मैंने, जब भी सुपारको और इसरो की बात हुई थी, तो हो सकता है कि ऐसा हो, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है इनकी अपनी भी जानकारी हो, नॉलेज हो। तो किस तरह एक आर्मी का जिसने हमेशा वो फौज की वो सीखी हो, तो फिर वो किस तरह का वो स्पेस कंपनी को चलाएगा? हमारे इन्होंने बिल्कुल सही बात की, आपने रिसर्च किया होगा कि हमारे स्पेस एजेंसी में जो चला रहे हैं इस टाइम सीईओ जो बैठे हुए हैं वो भी आर्मी रिटायर हैं। यार जिसका काम नहीं होता क्या उसको वो काम करना? हमारे वापडा के भी चेयरमैन हुई है, नादरा के भी हुई है, अभी मुल्तान हमारा रीजन है उसमें भी हुई है। अगर ये लोग ना आएंगे, वो एक मैंने मिसाल सुनी एक बड़े आला किस्म की ना, तो उसने कहा है कि अगर हमारे घर के मामलों को चलाएगा तो वो ऐसे नहीं चला पाएगा, जिसका एक पढ़ा लिखा घर का जो मेन हेड है वो चला पाएगा, अगर जिसका काम उसी को साझे भाई। अगर हमारे सिक्योरिटी अहलकार जो हैं हमारे 12 पास, मैक्सिमम 12 पास, वो आके हमारे घर को चलाना शुरू कर दें, इस तरह मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे तो इस तरह नहीं होगा। ये इस तरह का मिसाल है, आप एंकर है, क्वेश्चन करते रहते हो, इसकी आपके पास डिग्री होगी, आपने उसके बारे में कुछ सीखा होगा, उस पर आपने पढ़ाई की होगी। अगर मैं आपकी नाई की दुकान पर बिठाऊँ, आपको नाई बनवाऊँ, तो आप किस तरह बाल कटवाओगे लोगों के? तो ये इसी तरह की, यही पर पूरा पाकिस्तान जनरली इसी तरह चलाते हैं, सारे सब चीज़ों पे, सारे इंस्टीट्यूट पे, सारे इदारों पे। अभी तो यूनिवर्सिटी की वीसीज भी रिटायर्ड जनरल बैठने लगे हैं, तो ये सारे पाकिस्तान में, ये सारा जो हम तबाह हुए हैं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से, इकनॉमिक लिहाज से, एंड एवरी थिंग पोलिटिकल लिहाज से, ये सारा हमारे माशाल्लाह जो अपने मुल्क के ठेकेदार अपने आप को जो समझते हैं वही जनरल है, वही कर रहे होते हैं, तो उसका ये इजी सा हुआ। कैसे देखते हैं आप? मैं भाई की तरफ वापस आना चाहूँगा, आप भी इसी में रहिएगा हमारी गुफ्तगु में। यार एक चीज़ जब हम देखते थे कि भाई 80s के टाइम के अंदर हमारा मुल्क बना, तो हम बड़े प्राउड से, बड़ा फकरिया तौर पर सीना इतना चौड़ा होता था किसी से बात करते हुए कि हम पाकिस्तानी हैं, बाहर जाके बड़े फखर से बताते थे, लेकिन अभी कोई बाहर जाके बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो या अपनी जो अपनी रंगत के लिहाज से वो बताते कि हम इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं या फिर हम नेपाल से, इस तरह की कंट्री का बताते, इतना को हमें शर्मिंदा क्यों होना पड़ रहा है कि हम अपने मुल्क का नाम भी नहीं बता पा रहे? ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तानी चैनलों पर ही कई लोगों ने बताया है कि भाई कि जापान में रेस्टोरेंट खोलो तो कहते हैं कि जब हम इंडियन के नाम से खोलते हैं, बताते नहीं कि इंडियन है, कहीं और जाओ तो बताते नहीं है कि हम पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि जी हम इंडियन है, ये हालत है। तो पाकिस्तानियों को तो बाहर जाके पाकिस्तानी कहने में भी शर्म आती है भाई, सुनिए। सर आप जापान में थे, क्या वहाँ भारतीय हैं? जी भारतीय भी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, और वो लोग ट्रस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत ज्यादा। वो अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है,
क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज कस्टमर नहीं आएगा। मैं आपसे बड़ी सिंपल सवाल पूछता हूँ, जब आप लंदन में क्लब में लाइन पे लगते हैं वो आपसे पूछता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, तो आप क्या कहते हैं? कुछ मतलब किस चीज में क्या कहते हैं? आधे पाकिस्तानी व्हेन दे गो टू लंदन दे स्टैंड इन लाइन। बिल्कुल ओके। जब वो बाउंसर पूछता है ना कि आप व्हाट्स योर नेशनलिटी, दे ऑलवेज से वी आर इंडियंस। पाकिस्तानी कहते हैं क्योंकि लाइन से निकाल के कहेंगे घर जाओ अपने। क्यों? तो आपने क्या इज्जत छोड़ी है दुनिया में? सुन लिया, तो इतना ही प्राउड फील करते तो काहे छुपाते भैया कि हम पाकिस्तानी हैं? इंडियन क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडियन की छवि बहुत अच्छी है, इंडियन की इमेज बहुत अच्छी है, और आप लोगों के चक्कर में हमारी इमेज भी खराब होती है क्योंकि आप लोग झूठ बोल देते हो कि हम इंडियंस हैं, और करतूतें आपकी वैसी ही होती है, कारनामे वैसे होते हैं। दिक्कत ये मेरे ख्याल से ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो ना जेबें भरने का मामला बना हुआ है, तो हम अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, जेबें भर के हम बाहर जा के निकल जा रहे हैं। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मतलब 17वें स्केल पर भी पढ़ रहा हूँ तो उसका जब मेरा बेटा होगा वो बाहर पढ़ने चला जाएगा। क्यों? क्यों? अगर मेरा बेटा होगा तो मैं जिस इदारे में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? मैं मुखलिस नहीं हूँ, इदारे के साथ मुखलिस नहीं हूँ, अपने कंट्री के साथ भी मुखलिस नहीं हूँ। अगर इस तरह का वाक्य हमारे साथ होगा तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? हाँ, तरक्की तब करेंगे भाई, मैं जिस 20 ग्रेड का भी अफसर हूँ, जिस इदारे में हूँ, अगर मैं मिसाल आपको पढ़ाने के हवाले से बता रहा हूँ ना, अगर मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी उसी में पढ़ेगा, तब जाके कंट्री तरक्की करेगा। क्यों? अगर मैं अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचूंगा तब मुल्क के बारे में अच्छा सोचूंगा। मैं तो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ, मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा। इस तरह का जो है ना वाक्य हमारे साथ हो रहा है, इस तरह नहीं होगा। मेरे भाई, आपने जो सवाल किया कि हम बाहर जाके अपने आप को प्राउडली पाकिस्तानी क्यों नहीं बोल सकते, उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो इमेज बनाए बींग अ पाकिस्तानी, धोखाबाज, चोर, गठिया तरीन और टेररिस्ट करते भी हैं। वन सेकेंड, जो उस पर हमारे जो दाग लगे हम पे वो टेररिज्म का है। बाहर आपको कोई भी देख के वो आपको देखिए कि पाकिस्तानी है या खामखा टेररिस्ट होगा। इधर मैं एक यूट्यूब पे एक बंदे का वीडियो देख रहा था कि एक जो इंग्लिश यूट्यूबर था कि मैं पाकिस्तान में एक महीना रह के मैं जिंदा वापस आई हूँ, उस पर वो खुशियाँ मना रहे हैं। इस तरह का इमेज बना हुआ है पाकिस्तान की। उसकी वजह ये है कि हमारे जनरल साहबान जो है वो किराए के मफरूर बन चुके हैं, किराए पर अपने आप के सारे जंग किराए पर करवा रहे हैं। तो ये चीज़ है। अफगानिस्तान के साथ देखे क्या हालात चल रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ जो हालात चल रहे हैं वो भी अमेरिकी डॉलर्स को लाने के लिए ही कर रहे हैं। ऊपर से कोई डिक्टेशन मिला होगा कि भाई अफगानिस्तान के साथ करो, तो वो लगी हुई है। अफगानिस्तान हमारा अपना मुसलमान मुल्क है, तो भाई जिसके फौज जिधर भेजना चाहिए फलस्तीन, उधर नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ो भाई। क्योंकि हमारे आका जो हैं वही हमें आर्डर दे रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ किया करो। अफगानिस्तान भी तो हमारे फौजियों को हलाक कर रहा, फौजियों को शहीद कर रहा बॉर्डर्स के अंदर, ये क्या सीन है? अगर हमारे फौजियों को, चलो आपने कहा कि भाई बाहर से फंडिंग होती है, तो अमेरिका उसको अफगानिस्तान को कौन फंडिंग कर रहा है? प्यारे भाई, अगर आप उस पर हमला करोगे, आप एक हमला कर लेते हो उधर, आपकी उसकी फौजियाँ मार लेते हो या उसके सोवर्निटी पे, मुल्क की सोवर्निटी पे आप हमला कर लेते हो, तो उसका जवाब बनता है कि भाई उसका वो पूरी दुनिया में एक फजूल किस्म की इमेज जाता है, एक शेम की इमेज जाता है कि अपनी सोवरेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर हमला दोबारा करेगा। आप किसी को मुक्का मारेंगे तो वो दूसरा वो तो नहीं करेगा, एक्शन एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज रिएक्शन, वही देंगे। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप सबको इजाज़त दूंगा। दुनिया में जिस तरह से हम दे रहे हैं कि हम ईरान के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, चाइना को पूरी दुनिया में हेलो ऐलान, क्या बात है कि हम जो करीबी जो जुबान समझते हैं उनके साथ दुश्मनी, चाइना जिसको साथ हम जानते भी नहीं उसको दोस्त कह रहे हैं, ये क्या बात है? मेरी जान, असल बात ये है ना, अगर आपके 5 पड़ोसों में 4 पड़ोसों के साथ आपकी नहीं बनती, 1 पड़ोस के साथ बनती है, 5 पड़ोसों में आप 4 पड़ोसों की शिकायत कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पड़ोसियों को ठीक करवाए, अपने आप का इलाज करवाए, किसी अच्छे साइकाट्रिक के पास जाए, तो ये चीज़ है। सही बात की आपने, तो वही चीज है। जंगों में पड़ रहे, इंडिया क्यों नहीं जंगों में पड़ता? कितनी अच्छी बात बोली है भाई ने, पठान है ये, मुझे लग रहा है। मैंने बोला ना, पठान उनके उनकी समझ बड़ी जबरदस्त होती है, वो क्लियर है एकदम मामला। बोल दिया ना कि दिक्कत बाकियों में नहीं है, दिक्कत तुम में है, तुम इलाज कराओ, मतलब पाकिस्तान को बोला है। लेकिन पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं होते, ज्यादातर पाकिस्तानी जो पंजाबी पाकिस्तानी है मानने को तैयार नहीं होते कि गलती हमारी में।
इंडिया ताकतवर है, उसने अपना इकोनॉमिक स्टेबल अपने पहले उसने इकोनॉमिक पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, अपने आर्मी पे काम किया, उसके बाद पढ़ रहा है। अगर उसके उसको भी उसकी इतनी मजबूत हुई है कि उसकी सुवरेनिटी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो यही चीज़ है। खर्चा पॉलिसी उनकी कितनी मजबूत? बहुत मजबूत है। हमारा खर्चा पॉलिसी देखो, सारे अमेरिका के और IMF की डिक्टेशन पे चलती हैं। उसके खर्चा पॉलिसी, उसका जय शंकर है आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे, वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे है ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। वजह ये है कि अमेरिका इनकी बातों से एग्री कर रहे हैं सारी बातों से? एग्री तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल बात करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं मेरा फ्यूचर इधर ही है। मैं अगर एक कंट्रोवर्शियल बात करूँगा तो दूसरे दिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ आऊँगा। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह से बात करते हैं हम। अगर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस मुल्क में जिस कंट्री में ना दी जाए वो कैसे डेवलप होगा, क्या कहेंगे? मेरी जान बात ये है, जिस तरह ये भाई डर रहे हैं ना, तो यही डर के यही माहौल इन लोगों ने ये चीज़ बनाई हुई है कि पहले लोगों को डराओ, उनमें एक इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आपने जो बात की आपके पीछे डाला आएगा वीगो आएगा, वो चीज़ भी इतना नहीं है, लेकिन ये जो मीडिया पे नहीं थोड़ा बहुत है, लेकिन वो मीडिया पे जितना लोगों के अंदर उसकी डोमिनेंसी चाह रहे हैं इस डर की कि ये भाई इसी वजह से अभी बोल नहीं सकता, अपने लिए भी नहीं बोल। कोई भी शरीफ आदमी नहीं बोलेगा यार। मैं भी नहीं, नहीं भाई मैं भी शरीफ हूँ, लेकिन मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि मैं एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ। मुझे पता है जो हो जो है हमारे मुल्क के साथ जो कर रहे हैं जो जो मुल्क में हो रहे हैं, मैं बोलूँगा उसमें हमें डरने की बात नहीं। अगर डरने की बात है मरने की बात है, हम अपने मुल्क के लिए तबेदार है 24 घंटे, वो तो हम करेंगे। लोगों की खूबसूरती होती है, इन लोगों का इस मुल्क को बनाने के अंदर भी बहुत अहम बहुत बड़ा किरदार है। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच यार, बहुत जबरदस्त बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? आसिम। क्या करते हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, कौन सा सेमेस्टर है? अभी सेकंड ईयर चल रहा है कॉलेज में। जबरदस्त हो गया। अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या लगता है कौन आ गया, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? जाहिर सी बात है ये तो ऑब्वियस है इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट आप देखें ज़्यादा अमीर है, ठीक है, पहली बात तो यह है। और वैसे भी उनके साइंटिस्ट ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और उधर करप्शन भी कम है, ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी स्पेस जो टेक्नोलॉजी है ना सब कुछ जो भी है वो ज़्यादा आ गया। स्पेस एजेंसी की बात की तो आपको पता है कि पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इंडिया की स्पेस एजेंसी का? वो इसरो। इसरो है। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता? वाह भाई वाह, क्या बात है, ये कैसे पता इंडिया की? यार बस वो ये जो चांद पे गई थी पिछले दिनों तो बस वो पता चल गया। कितनी बड़ी बात है उनके लिए कि भाई आज उनका उनका जिसे हम दुश्मन कहते हैं आज हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि उनकी स्पेस एजेंसी इसरो वो हमें पता, लेकिन अपनी स्पार्को के बारे में हमें नहीं पता। ऐसे ही ऐसे ही। क्या कहना चाहेंगे, आज उन्होंने एक ऐसा शटल मुतारफ करवा दिया है जो कि स्पेस में जाएगा, खला में जाएगा, खला में जाकर सैटेलाइट को छोड़कर वहाँ से वापस आएगा, वापस आकर यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग भी करेगा। अच्छा, इस तरह की क्या आपने कोई टेक्नोलॉजी सुनी थी? हमने तो यही सुना था कि भाई शटल जाएगा, जाकर वहीं पे ही रह जाएगा, वापस कोई नहीं आ सकता। क्या कहना चाहेंगे, क्या दाद देते हैं आप उनकी साइंसदानों को? उनने अरे नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं यार। सबसे पहले सोवियत ने अंतरिक्ष यात्री भेजे अंतरिक्ष में, वो वापस आए ना, वो किस चीज में वापस आए भाई? हाँ, वो शटल में वापस नहीं आए, वो जो क्या रिकवरी व्हीकल कहते हैं उसके जो भी है जो समंदर में लैंड होता है उससे आए। उसके बाद अमेरिका के शटल्स थे, कोलंबिया देखो और भी शटल्स थे, वो शटल्स भी ऐसे ही जहाँ इससे बड़े शटल्स थे, ये तो अभी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, वो ओरिजिनल साइज के शटल थे और उसमें वो आते थे, इतनी बार चांद पे गए, इधर गए उधर गए और उसी से तो लैंड करते थे, वो आपने देखा नहीं है? हमारी जो कल्पना चावला थी वैसे ही कोलंबिया वाले हादसे में तो उनकी जान गई, बाकी के साइंटिस्ट की भी जान गई, उसी से वो वापस आ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप यार, चाइनीज जाते हैं स्पेस स्टेशन पे कैसे वापस आते हैं? टेक्नोलॉजी है, दो तरह की टेक्नोलॉजी है, एक वो जो पैराशूट खुल जाता है बड़ा सा गोल सा होता है, वो फिर आके नीचे उसके हीट शील्ड लगी होती है, वो धीरे धीरे आता रहता है आता रहता है आता रहता है, वो लोड मतलब क्या कहें उसको, बर्तन की तरह दिखता है, समंदर में आके गिर जाता है, वो उसमें लैंड करता है।
और एक है जो ये बिल्कुल एरोप्लेन की तरह लैंड करता है, जो अमेरिका वाली टेक्नोलॉजी है, ये वैसी ही टेक्नोलॉजी है। ये मत कहिए कि नहीं थी या पहले कभी नहीं, भैया भारत अभी पीछे है इसमें। हम अभी चूंकि हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शन हैं, हमें बहुत सारी चीजें हैं सीखनी है समझनी है, तो हम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है पहले से। कैसी बात करते हैं यार, जो चीज बनाई है पूरी दुनिया के लिए, क्या कहेंगे? देखिए उन्होंने जो भी किया अपने मुल्क के लिए किया और हमारे पूरी दुनिया के लिए किया, पूरी दुनिया के लिए किया है, ऐसे ही है। और हमारे पाकिस्तान वाले हैं वो बस अपने में ही पैसा खाई जा रहे हैं, MNA MPA। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो ये वज़ीर आज़म, इनको चाहिए कि इनके खिलाफ ना कुछ करें, ताकि जो पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो इन चीज़ों पर भी जाए, ये स्पार्को ताकि ज़्यादा आगे तरक्की कर पाए, ज़्यादा आगे निकल पाए और इंडिया से सीखे। सही है, क्योंकि इंडिया में चीज़ें बुरी भी हैं अच्छी भी हैं, ठीक है। और हमें चाहिए कि जो उनमें अच्छी चीज़ें हैं, हर एक माशरे में अच्छी भी होती हैं चीज़ें, बुरी भी होती हैं। क्या कहेंगे IT के लिहाज से अगर बात करें तो, क्या IT में क्या हमारा और इंडिया का कोई कंपैरिजन मौजूदा टाइम के अंदर रहा है या हो सकता है कोई कंपैरिजन उनके साथ? नहीं, कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता, बहुत आगे है इंडिया। अब वो आप देखें गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, गूगल, अच्छा यूट्यूब, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद स्टारबक्स, कोई भी आप लगा ले कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, सबके CEO इंडियन है। हाँ जी बिल्कुल सर, स्टारबक्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, स्टारबक्स का सॉफ्टवेयर से सिर्फ इतना ही नाता है कि वहां पे जो बिलिंग होती है उसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे वो कॉफी शॉप है। मुजम्मिल भाई आप भी जो मन में आए वही बोल देते हैं, अब क्या कहें। खैर कोई बात नहीं, होता है, डोंट वरी होता है। बात करूं किसी भी सेक्टर की, क्या कौन आगे है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान? मेरी निगाह में तो जो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान ही आगे है, लेकिन इंडिया भी इस टाइम जम लगाने की कोशिश कर रहा है काफी। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे है, इंशाल्लाह है। किस चीज में आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कोई एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म बता दें जहाँ पर आज ऑडियंस देख ले, जो भी हमारे पड़ोसी में लोग इंडिया से देख रहा वो जो सर बताएंगे आज के, हम उनसे टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन से सेक्टर में आगे हैं? मैं तो अपनी जो टेक्नोलॉजी ये कह रहा हूँ कि दिफा में मजबूत है हम ज़्यादा, दिफा में, अल्लाह दिफा तो डिफेंस में आता है ना, टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी में हम अभी पीछे ही हैं। तो फिर अभी आपने कहा था हम आगे, बस मेरी में बात नहीं आई है, आगे नहीं है मतलब उनसे, आगे नहीं है वो तो, आप हर चीज़ आप खुद तैयार कर रहे हैं बोल जी, इंडिया जो है दिफा में आगे हैं तो मतलब कब से अभी, मतलब वो 93,000 वाला नहीं गिना जाएगा ना, 93,000 की जो पैंट उतरी थी वो नहीं गिना जाएगा, चले ठीक है, वो 93,000 की जो पतलूने हमने उतारी पाकिस्तानी फौजियों की उसको नहीं गिनते हैं। लेटेस्ट में आते हैं तो ये बताइए कि वो ब्रह्मोस मिसाइल कैसे पहुंच गई आपके यहाँ, गिर गई? वो तो आसमान में ही मार के गिरा देनी चाहिए थी, दिफा मजबूत था आपका तो, है ना। और छोड़िए वो जो बालाकोट पे हमने स्ट्राइक की थी, हमारी एयरफोर्स के जेट गए थे तो वो जेट भी आपसे मार के नहीं गिराए गए, वो भी घुस गए आपके यहाँ, घुस के जाके बम गिरा दिया, भले उसमें 5 दरख्त मरे, 2 कौवे मरे, लेकिन घुस तो गए थे ना और वापस भी चले आए, दिफा इतना मजबूत था तो रोक ही नहीं पाए आप, उनको गिरा भी नहीं पाए। और ये जब सवाल आपके उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे खटक साहब से जब उनसे ये सवाल पूछा गया, वो गोल गोल जवाब दे गए, सुनिए। पाकिस्तानी हदूद में वो आए और अगर आए तो ये पेलोड्स क्या है, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए गए, आप इसको हमला तसव्वुर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका, और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, चूँकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ, सो दे वेटेड फॉर देट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा है कि आगे अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। तो इतना मजबूत दिफा लेके क्या करेंगे सर, कि ना मिसाइल रुकती है ना फाइटर जेट आपसे रुकते हैं, तो काय बात का दिफा है? कौन सी चीजें खुद तैयार कर रहे हैं? उनकी मोटर बाइक शुरू कर लिया,
मोटर बाइक, उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, हाँ आप मोबाइल देख लें, उनकी हर एक चीज़ सुई से लेके जहाज तक खुद उनकी अपनी है। बिल्कुल सही बात, मैं कह रहा हूँ कि अगर चाइना के बाद ना जो तरक्की कर रहा है इंडिया कर रहा है इस मामला में टेक्नोलॉजी में, तो हम क्यों पीछे हैं भाई? किस चीज़ की कमी है हमारे पास? हमारे पास कमी नहीं है, बस अमल तरामद नहीं हो रहा किसी बात के ऊपर ना, ठंड की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, जेन मौजूद हैं, उसके अलावा साइंसदान मौजूद हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, नहीं पता कि इनकी अपनी पॉलिसी में क्या कमी है कोई। अब हम आपको न्यूज़ बताऊँ एक, आपको पता हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या? नहीं मुझे जो खला में जाती है, नहीं मुझे नहीं उसके बारे में। इंडिया के पता स्पेस एजेंसी का नाम क्या? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता सर, मैं बताना चाहूँगा इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और हमारी जो है वो स्पार्को है। सर बताना चाहूँगा, आज इंडिया ने कुछ टाइम पहले की बात बताऊँगा, आज से 2 महीने या 3 महीने पीछे चले जाए, इंडिया चांद पर अपने कदम रख चुका है और उस हिस्से पर रख चुका है कि जो कि आज से पहले कोई मुल्क नहीं गया। दूसरे नंबर पर आज स्पेस पर जाने वाला एक ऐसा शटल बनाया है जो कि आपके सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ेगा और शटल वापस आकर ज़मीन में लैंड करेगा। पूरी दुनिया हैरान है, वीडियो वायरल है पूरी दुनिया के अंदर। क्या कहेंगे कि वो तब्दीली पर तब्दीली, नई चीज़ें इन्वेंट करते जा रहे हैं, और क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं किसी सेक्टर में? ये तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, पहले मुझे जो चीज़ ना खला में गई वापस नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो वापस आकर रिपोर्ट करके चीज़ बोली वहाँ से होके आएगी, उनकी वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। हम इस बात को मानते हैं, हमारे मुल्क को भी चाहिए, हमारे सरबराहों को भी चाहिए इस तरह का कोई पैकेज दें आवाम को जिससे वर्ल्ड लेवल पर इनकी इज्जत हो, उनकी कामयाबी हो। क्या ख्याल है? सियासी पार्टियाँ अपने में जो मजाक कर रही हैं, मजाक या नाकामियाँ कर रही हैं, इनका अपना पर्सनल मैटर ये वाला, लेकिन मुल्क के लिए सोचें कुछ ना कुछ ये। अभी आपसे चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। पैकेज देने से नहीं होता सर, ये पैकेज देने से नहीं होता है, जड़ से शुरुआत करनी पड़ती है। पहले अपने बच्चों में साइंस के प्रति जागरूकता बढ़ाइए, जब साइंस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तो बच्चों को फिर वैसी एजुकेशन पॉलिसी लाकर पढ़ाइए। जब आप पढ़ाएंगे, जब वो पढ़ के आगे निकलेंगे, तब जाके वो कुछ सोचेंगे, तब वो स्पेस साइंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे, काम करेंगे, तब शायद जाकर कुछ डेवलप कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को आदत नहीं ना, कमाने की आदत नहीं आप लोगों को, आप लोगों को बस मिल जाए कहीं से, मिल जाए कहीं से। तो चीन है ना, चीन से ले लेना, खुद क्यों बनाओगे? अभी वो एक जासूसी, मिनी जासूसी शिप बनाया ना आपने, सॉरी आपने बनाया, नहीं नहीं, वो चाइना ने आपको दिया है, उसका सारा डेटा भी तो उसे चाहिए भाई, इधर से भी तो जासूसी करानी है भारत की, तो उसने आपको एक मिनी बना के दे दिया, लो भाई कर लो तुम, आप खुद मत बनाओ, हमने तो अपना खुद बनाया है, हमारे पास अपना खुद का है, किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहे हम, हमने अपना बनाया है स्पाई शिप, सैटेलाइट्स हमारे अपने हैं, रॉकेट्स हमारे अपने हैं, ये भी हमारा अपना है। देर से आ रहे हैं लेकिन एंट्री धमाकेदार हो रही है, लेट एंट्री है पर धमाकेदार एंट्री है, समझ रहे हैं ना आप? और स्पेस सेक्टर में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए स्पेस सेक्टर में पाकिस्तान कम से कम 200 साल पीछे है, 200 ईयर्स। आपकी स्पेस एजेंसी हमसे पहले बनी, हमसे पहले बनी, लेकिन आप क्लास के वो बच्चे हैं जिसको कॉपी किताब सब कुछ मिला लेकिन तब भी फेल हो जाता है, हम क्लास के वो बच्चे हैं जिसके जिसके पास सबकी कमी रही लेकिन तब भी हम रिजल्ट ला कर देते हैं। और आज इसरो सिर्फ अपने लिए भी काम नहीं कर रहा, आज हम सिर्फ अपने सैटेलाइट्स, अपने नेविगेशनल सैटेलाइट्स या अपने मौसम वेदर सैटेलाइट्स या टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम सब सारे अपने बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बल्कि स्पाई सैटेलाइट भी छोड़ रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट भी छोड़ रहे हैं, और लाखों डॉलर कमा भी रहे हैं, इसरो कमाई कर रहा है, मिलियन ऑफ डॉलर्स की कमाई हो रही है इसरो से, दूसरे देशों के सैटेलाइट छोड़ छोड़ के, और दर्जनों स्पेस कंपनीज काम कर रही हैं हमारे यहां प्राइवेट। ये है हमारे यहां स्पेस साइंस की प्रोग्रेस, 200 साल पीछे हैं आप हमारे से, 200 ईयर्स मिनिमम, जिस टेक्नोलॉजी पे हम लोग पहुंच गए हैं, जहां पे किसी से उधार लेकर बना लेना अलग बात है, समझे? और किसी ने मुझे वो क्लिप भेजी थी कि JF-17 जो है वो पाकिस्तान बनाता है और पाकिस्तान में बनता है और ये बनता है और वो बनता है, वो बनता है, कोई कह रहा था, कोई ज्ञान दे रहा था, जो भाई 10वीं फेल होंगे लेकिन एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं रिएक्शन चैनल पर, 10वीं पास नहीं होगी उनसे लेकिन एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं। तो भाई पाकिस्तानियों ये बता दो कि अगर JF-17 तुम्हारे यहां बनता है तो हर ब्लॉक की टेस्टिंग
चाइना में क्यों होती है, उसका प्रोटोटाइप चाइना में क्यों बनता है, तुम्हारे ब्लॉक थ्री जो सबसे लेटेस्ट है उसकी भी टेस्टिंग और प्रोटोटाइप चाइना में बना, उसकी टेस्टिंग वहां हुई, तो तुम्हारे यहां डेवलप होना चाहिए ना। और तेजस हमारे यहां डेवलप होता है, तेजस हम कहीं बाहर जाकर टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम यही बनाते हैं, यही टेस्ट करते हैं एवरीथिंग। आप जेव 17 सिर्फ असेंबल करते हो, पढ़ोगे तब तो पता चलेगा, जाके पढ़ लो ढंग से। आप वीडियो में बताएं क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म, ये था वीडियो जो इंडिया का वो स्पेस क्राफ्ट मिशन, जिसमें वो दिखा भी रहे थे लोग शायद, वो हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर लेकर जाया गया, उसका मतलब तजर्बा कर रहे थे कि वो ऊपर से कैसे नीचे आ सकता है, और बगैर पायलट के था, वो रिमोट कंट्रोल था, ऊपर से छोड़ा गया, छोड़ने के बाद ये चेक किया कि क्या वो सेफ लैंडिंग खुद ब खुद करता है जमीन पर कि नहीं करता, तो उसने कामयाबी से वो सेफ लैंडिंग की। सबसे ज्यादा वो कहा जाता है सबसे ज्यादा मुश्किल ये चीज है कि आप स्पेस क्राफ्ट भेज देते हैं या आप रॉकेट के जरिए रॉकेट भेज देते हैं, सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि मुश्किल काम है वो ये कि रॉकेट को या स्पेस क्राफ्ट को वापस लेकर आना जमीन पर, भेजने में वो तो सारे भेज रहे हैं, ये वाली टेक्निक जो है ना ये हासिल करना चंद कंट्रीज के पास है, वो बता भी रहते हैं लोग सर, रशिया और चाइना के पास भी नहीं है। चाइना के पास भी नहीं है? हाँ जी, क्या हो गया? चाइना हर चीज में आगे, रशिया और चाइना की भाई वो बता रहे थे कि रशिया और चाइना के है लेकिन वो समंदर में उतरते हैं, पानी पर उतरते हैं, चाइना जमीन पर नहीं उतर सकता। ये इंडिया कामयाब तरीके कर रहा है, पहला उनका ये कामयाब हो गया, इसके बाद लेकिन एक बात है भाई कि इंडिया कोशिश कर रहा है, वो किसी हद तक पहुंच भी जाएगा इस मिशन पे, यानी कि मिशन को जो स्ट्रगल करता है ना वो अचीव भी कर लेता है। हाँ, उसकी कोशिशें अगर जारी हो ना, इंडिया कर रहा है भाई, हो सकता है आने वाले वक्तों में इंडिया इस पे इसको अचीव कर ले, लेकिन काफी हद तक जो इंडिया है ना वो आगे है। अच्छा, फिर पाकिस्तानियों का नॉलेज आप भी सुन रहे थे, मुझे भी हंसी आ रही थी जब वो कह रहे थे कि जो है ना एलन मस्क वो नासा के साथ मिलकर काम करता है, फिर पता नहीं क्या या क्या क्या बोंगियां मार रहे थे, एलन मस्क जो है वो इसरो के साथ काम करता है या एलन मस्क जो है वो नासा के साथ, हालांकि एलन मस्क की अपनी स्पेस कंपनी है, ये बेसिक नॉलेज भी नहीं हमें पता, ये बेसिक नॉलेज भी हमें नहीं पता। यार कोई भी बात करने से पहले मतलब को थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या इसमें कितनी सच्चाई है या जो कुछ भी है। ये बात है कि यार इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी जो पाकिस्तानी हमारे लोग होते नहीं सब देखा है, वो मीडिया के साथ या इंटरनेशनल मीडिया के साथ न्यूज़ के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, और जब उन्हें इनका इंटरव्यू होता है तो वो जो भी उनके माइंड में होती है उन्होंने तो फिर वही बात करनी। अच्छा, हमारे इस पार को लोग सर बता रहे थे, और ये एक भाई भी पढ़ा लिखा मिल के भाई है, हर किस्म के लोग पाकिस्तान, हर किस्म का मवाद मौजूद है, ये वो वाकई में शानदार बातें कर रहा था भाई। पिछले 4 ऑफिसर जो चीफ स्पार्को का चीफ कौन है, आर्मी ऑफिसर, बेटा तो घरा कौन ही था फिर, हमें तो पता भी जो है ना वो चला था। आज भी एक जगह से मैं भाई गुजर रहा था आज भी, तो यकीन जाने वहां पे भी एक बड़ा सा लिखा हुआ था बोर्ड, और बोर्ड पे लिखा हुआ था ब्रिगेडियर मोहम्मद शोएब, उसका रकबा था भाई, और वल्ला आलम कितना रकबा था, मुझे लगता था कि काफी खुला रकबा था जो उसको मिला हुआ था। तो मैंने अंदाजा लगाया कि सबसे ज्यादा भाई जो है ना रिटायर्ड आर्मी के जितने भी बंदे हैं उनको भाई बहुत ज्यादा जमीन अलग खा गए हैं, ये हमारा मुल्क खा, यकीन जाने ऊपर उन्होंने बकायदा बड़ा सा बोर्ड लगा के लोगों में दहशत पैदा हो कि ब्रिगेडियर कब्र के अंदर ब्रिगेडियर कुछ नहीं चलना। अच्छा, फिर बात आई कि अगर पाकिस्तान के लोग बिरुंद मुल्क जाते हैं तो वो खुद को इंडियन कहते हैं, जापान में होटल खोलते हैं तो वो कहते हैं, वो एक भाई का इंटरव्यू भी हो रहा था, वो खुद को इंडियन बताते हैं, अगर आप इतने महान हैं पाकिस्तान तो अपना नाम क्यों छुपाते हो? कम पाकिस्तानी बदनाम कह रहा हूँ कि हमारी कोई वक्त नहीं है, अपने मुल्क में तो है ही नहीं, लेकिन बाहर में भी नहीं है,
क्या बोले? नहीं भाई ये गलत बात है, हमारे आप अपने गांव से बाकी सबको छोड़े, आप अपने देखें कि आपके आपके दोस्त भी हैं काफी गए हुए हैं फॉरन यूरोप में, एक सोशन है मेरे भी रिश्तेदार हैं या जानने वाले दोस्त हैं, तो आप उनसे पूछे तो वो उन्होंने आपको बताएंगे कि हम इंडिया का नाम यूज करते हैं या पाकिस्तान, फर्ज कर ले हम इंडिया का नाम यूज भी कर लेते हैं, तो आपके पास सबूत होना चाहिए, सबूत होता है पासपोर्ट, जब आपके पास पासपोर्ट ही पाकिस्तानी होगा आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडियन हूँ, ये झूठ है, ऐसा नहीं कहते, हम पाकिस्तानी पाकिस्तान के नाम लेंगे और लेते भी हैं। तुम्हारे जो इतने बाहर से इधर से गए हैं कितनी कितनों ने कंपनी या होटल्स या रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं बाहर, एक सा मिसाल दे रही है, ज्यादा नहीं सिर्फ एक कंपनी, किसी कंपनी खोली हो या रेस्टोरेंट बनाया उधर, भाई मुझे एक के बारे में है। अच्छा जी, वो जो है मतलब कि दुबई में जो उनकी जो है वो कंपनी है आपको पता ही है वो, हाँ उनका ही है, जापान की बात हो रही है, नहीं जापान में पता, जापान मुझे नहीं पता कि हमारे जो यहाँ से गए उन्होंने क्या काम, यूके में बता दो, जर्मनी में बता दो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे नहीं, मैंने इतनी तुमसे नहीं पूछा, तुमने इतना तो बोल दिया कि नहीं ये गलत है, मैंने फिर इधर से तुम एग्जाम्पल ही मैंने कहा इधर ही आ जाओ, हमारे एरिया के अंदर से जो लोग गए हुए हैं कितनों ने रेस्टोरेंट बनाया, एक ने भी नहीं बनाया, आप बात ही मजदूरी करते हैं, रोजगार मिलता नहीं वहां पे, मजदूरी अच्छा मतलब भाई कर लेते हैं, मैं बताता इसको, इसको समझ लो, वो कह रहा है कि रेस्टोरेंट जब बनाते हैं ये खुद को इंडियन कहलवाते हैं, यहाँ के जो उधर लोग आए ना फॉरेन कंट्री के लोग, जब उधर उनका रेस्टोरेंट हो जब वो खुद को इंडियन बताएंगे तो उनको इज्जत मिलेगी, तो यार ये इंडियन है, उधर उन्होंने नहीं देखा यार आप पासपोर्ट के आप इंडियन हो पाकिस्तानी हो, आप बात समझ रहे थे रेस्टोरेंट की बात, तो नहीं तो ये जरूरी तो नहीं कि इंडियन का होने पाकिस्तान में, जब जिसने खाना खाना तो उसने ये तो नहीं आप इंडियन है या पाकिस्तानी है, उसने तो भाई खाना, ये कोई बात नहीं है कि आप इंडिया का नाम यूज करके वापस, वो होता है पाकिस्तान का नाम चलता है, जब रशिया यूक्रेन की वार हुई थी पाकिस्तानी जो है वो अपने झंडे के नीचे निकले थे, किसने हमारे यहाँ से किसने कहा था कि मतलब पीएम मोदी ने तो कहा था ना तुम्हारे रिक्वायर थी, मतलब कि उनको कहकर हमारे यहाँ से किसने मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त उनको रिक्वेस्ट की थी, यार ये बात सही है कि इंडिया जो है ना उसकी बैर के ममालिक में भी यार रशिया असलम भाई और पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं, यकीन क्या रशिया यूक्रेन की वॉर थी उसके अंदर जब ये सीज एक दिन के लिए मोदी साहब ने रुकवाई थी कि हमने अपने उधर लोग मौजूद हैं हम उनको निकालना चाहते थे, उसके अंदर उस वक्त की वीडियोस हैं उन पर हमने रिएक्शन भी किया था, उनके उस इंडिया के तिरंगे के नीचे पाकिस्तानी खुद को इंडियन कहलाकर, बल्कि इंडियन ने भी फिर नहीं रोका था, अच्छा ठीक है यार ये निकल रहे हमारे फ्लैग के नीचे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो आर्मी थी ये वो उनको नहीं चेक कर रहे थे, क्योंकि वो इंडियन थे, फ्लैग इंडियन था, तिरंगा इंडियन था, तो वो चेक नहीं कर रहे थे कि ठीक है आप जाएं इंडियन है, इसलिए पाकिस्तानी इंडियन तिरंगे के नीचे निकले थे, और इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए आपके लोग इंडियन तिरंगा लेकर इज्जत महसूस करते हैं, इधर आकर कहते हैं कि हम इंडियन नहीं हम पाकिस्तानी, सिर्फ उस वक्त इंडिया ने ऐसा किया था, किसी और कंट्री ने अपने स्टूडेंट्स को या अपने वहां पर जो भी लोग थे उनको नहीं वापस बुलवाया था या निकाला था, उस वक्त मुझे आज भी याद है कि 10 कंट्री 20 कंट्री ऐसी थी उनका स्टूडेंट ऐसा था जो इंडियन तिरंगे के नीचे निकले थे, और दूसरी कंट्री नहीं थे, मुझे दूसरी को नहीं पता, तुम क्यों नहीं पता, तुम पता कर लो, हाँ मैं इंडियन हूँ, चलो तुम इस पर फतवा लगा दो, मैं इंडियन, चलो लगाओ फतवा को करने वाली बात करने वाले कर रहा हूँ, चलो मैं बड़े आए तुम इंडिया, चलो इंडिया छोड़ो मैं हिंदुस्तानी हूँ, आज भी मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो यहाँ से निकल जाओ पाकिस्तान, तुम मुझे कौन होते हो, ये आज भी हिंदुस्तान है तुम्हारा, यहाँ पर यार आज भी ये हिंदुस्तान है, मान लो क्योंकि आपकी जो जड़ है वो हिंदुस्तानी है, आप मान लो इस बात, सिविलाइजेशन हमारी हिंदुस्तानी है, ये क्या बात करता है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी लगा रखा खुद को, तुम हिंदुस्तानी बड़े आए तो चले जाओ, तुम्हें इतनी मोहब्बत है, और तुम कहीं अपनी जगह ढूंढो, ये तो है ही आज भी हिंदुस्तानी है, सिविलाइजेशन बड़े लोग पहुंच गए, पहले बाकी हमारे बावजूद थे लेकिन आज हम पाकिस्तानी हमारे हमें अलग से जो है ना शनाख्त मिल चुकी है, और उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। अच्छा ठीक है पाकिस्तानी, ये मुझे बताओ वो ब्रह्मोस आप डिफेंस की बात वो कर रहे थे, वो बातें बड़ी मजेदार आ रही, वो एक मिनट सबर, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, बहुत जल्दी है तुम्हें, बहुत जल्दी है बातों का जवाब देते, कहते पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान का पहले दिफा कमज़ोर था बड़ा मजबूत है,
तो लोग सन फिर मासूमाना मेरा भी यही सवाल है कि वो जो बड़ा मूस आया था गुस्सा था पाकिस्तान के एरिया में और फिर जो बालाकोट स्ट्राइक अभिनंदन गुस्सा था वो कैसे घुस गया जी, उसका जवाब किधर है? तो अभिनंदन का फिर क्या मतलब उनके साथ क्या हाल हुआ था? स्ट्राइक वापस चला गया था, चला गया था दूसरे दिन, चला गया था, रोक सकते तो रोक लेते। तुम्हारे अपने इमरान खान ने कहा था, किस तरह काम? उन्होंने कहा था कि शायद हमें डर था, ये लफ्ज आया है इस पर भी तुम चैलेंज था। हाँ जी, कहा कि हमें डर था कि शायद इंडिया, इस तरह बोला है इमरान खान, हमें डर था कि शायद इंडिया हमला कर दे। डर का लफ्ज इस्तेमाल किया खान ने असम्बली के अंदर खड़े होकर। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी बोला था, माथे पर पसीने थे मेजर जनरल, क्या नाम है अपना, बाजवा के, चले वो छोड़े जाते पकड़ लिया होगा, बड़ा मुस्क को नहीं पकड़। कोई पसीने नहीं थे, अगर मेरे कोई पसीने उसको गोली मारो, बड़ा मुस्क, बड़ा मुस्क क्यों नहीं पकड़ा? मुझे बड़ा मुस्क बात की है, अपनी भड़ास निकाली तो मुझे बात करने दो। अच्छा, कोई पसीने नहीं थे उनको, कोई कुछ भी नहीं था। अगर हमारे पास आज अगर आपको डिफेंस का देखना है कि बड़ा मुफ्त की बात करने, तो आप हमारी जो परेड हुई है ना 23 मार्च को, आप उधर देखें कि किस तरह के वेपन्स, किस तरह के वो बता दो तो तुम देख लो ना। मुझे नहीं पता, मत जाए, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता कि बड़ा मुफ्त नहीं रोक, नहीं पता तो आप किसी को बात उसको देख ले तो आप नहीं, आप बता दो ना, तुमने बात कर दी है ना, इसकी पूरी जानकारी भी ऐसे ऐसे उस वक्त कैसे कैसे यार राम, पहले बात तो सुनो फिर तुम। अच्छा, तुम टोकने लग पड़ते हो। अच्छा जी, अच्छा जी। जो भी है ना, को भी अगर दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल आती है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास मतलब के काफी चाइना की तरफ से और पाकिस्तान दोनों कंट्रियों के मिलकर जो है ना, हमने अपने दिफा के लिए जो भी कुछ बनाया होगा वो सब उधर उस वक्त दिखाया, और टैंक जो नई जनरेशन के वो दिखाए, यानी कि जितना भी और मिसाइलें जो थी वो भी थे दिखाई। मैंने तो ये मतलब चंद देखने की, मैंने तो ज्यादा डिटेल में वीडियोस नहीं देखी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद देखें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास भी इतना कमजोर नहीं है, कमजोर ना तो दुनिया की 7वीं या 9वीं मिलिट्री पावर पाकिस्तान जो है, बड़ा मुश्किल में रोकता है मुझे भाई उसके। मैंने आपको 3-4 मतलब वीडियोस कर चुके, मैंने खुद कहा था कि उसकी कोई ना कोई रीजन हो सकती, क्योंकि पावर नहीं थी, नहीं पावर की ये कोई बात नहीं थी, तो फिर रैंकिंग में क्यों आ रही है? मैं कह रहा हूं रैंकिंग में आ रही है, बड़ा मुश्किल आ रही, तो फिर आप बड़ा मुश्किल, हां झूठे हैं तो फिर तुम ना इंडिया, इंडिया का ब्रह्मोस मुझे रोक कर दिया, ये तो तुम खुद ही, मैं मानता तब जो इंडिया का ब्रह्मोस, मान लो यार नहीं थी हमारे पास टेक्नोलॉजी, बस क्यों ना माने भाई, ठीक है हमारे पास है और अभी भी है, तो फिर पकड़ा क्यों नहीं भाई, क्यों मुझको ऐसा किया, कुछ कैसा किया मुझे? मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ की इसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकता, रीजन क्या हो सकती ये बता दो मुझे, क्या आपने ये पहले देख लिया था कि उसमें कोई मवाद नहीं है जिसका कोई खतरा नहीं है, जहां मर्जी गिर जाए, अगर उस पर वार हेड होता तो भाई वार हेड होता तो फिर पाकिस्तान उस पर वार हेड वो भी हमला करता यार, वो तो बात का मसला था यार, वो तो बात होता था, तुमने बात क्यों कर दी यार? मैं मानता हूँ वो तो बात का मसला था, पहले तो अपनी पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तानी जिसे हमारी फौज बोलती, बल्कि वो तो बोलती ब्लडी सिविल, उनको रोकना चाहिए था ना, उनकी जान बचानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं बचा? सबूत के तौर पर भी हो सकता है या उनको पता चल गया नहीं हो सकता, क्या टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की कि ब्रह्मोस के अंदर भी पता चल गया था कि इसके अंदर वार हेड भी है। लाओ जी इंडिया, ये तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो आप क्या, चाइना क्या, रशिया क्या, अमेरिका से भी आगे चला गया, इसका मतलब पता चला है किसके अंदर, उड़ते परिंदों के व्यापारी गिन लेते हैं। वाह रहमत अल्लाह, क्या जोक मारा यार, क्या होता बाकी गिन लेता, ये बात आपने सही की है। ओए अल्लाह के बंदे छोड़ने वाले छोड़ो, मुझे भी एनसीआर है, मैं तो कह के लगाने का मेरा दिल कर रहा है कि ब्रह्मोस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो ब्रह्मोस आया है उसके अंदर जो वार हेड, ये भी पता कर लिया पाकिस्तान ने, कुछ कहते वार हेड भी जाने दो। वाह रे वाह, क्या ज्ञान है तुम्हारा। चलें जी, खैर जोक ऑफ द सेंचुरी लिख लो, ये लिख लो जोक ऑफ द सेंचुरी के, पाकिस्तान ने ब्रह्मोस के अंदर वार हेड नहीं था, पता चला लिया था, सामने लिखना जोक ऑफ द सेंचुरी, सुनहरे अल्फाज में साथ में कोट करना, कोटेड बाय रहमतुल्ला। चलें जी, मिलते हैं नई वीडियो में, नैड अफसरा, तब तक दीजिए इजाजत।